आदाब नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। न्यूज एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एंड न्यूज, देखिए सिर्फ हकीकत। दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बीएमसी ने यह सख्त फैसला लिया है। घर से बाहर जो भी बिना मास्क के नजर आएगा उसे 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, और ये बिल्कुल सही फैसला है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है, जिन लोगों ने मास्क पहना है उसके बावजूद भी उन्हीं से जबरन जुर्माना वसूला जाए, अब इसे क्या कहा जाए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के गोरेगांव वेस्ट बांगूर नगर पुलिस चौकी के पास लिंक रोड पर धड़ल्ले से ये गोरख धंधा चल रहा है और एक भी पुलिस वाला इस जगह मौजूद नहीं। कुछ महिलाएं बीएमसी की जुर्माना रसीद हाथ में लिए लोगों से 200 रुपए का जुर्माना वसूल रही हैं। उन महिलाओं से नाम पूछा गया तो नाम नहीं बताया, उनसे जुर्माना रसीद बुक दिखाने को कहा गया तो उससे भी इनकार कर दिया। अगर ये महिलाएं हकीकत में बीएमसी अधिकारी हैं तो इतना डर क्यों? और अगर ये गलत वसूली कर रही हैं तो इन पर पुलिस की नजर क्यों नहीं? इन रास्तों पर आने जाने वाले लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। परेशान लोगों की ये शिकायत है, मास्क जरा सा भी नाक के नीचे आता है तो फौरन ये लोग फोटो खींचकर जुर्माना वसूलने लगते हैं। 200 रुपए ना होने पर भी 100 या 50 रुपए लेकर बिना पर्ची दिए छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र सरकार को जल्द ही कोरोना के साथ इन काली कमाई करने वालों पर रोक लगानी होगी। देखें न्यूज एंड न्यूज पर यह खास खबर, कैमरामैन सुहेल शेख के साथ अयाज अहमद खान की ये खास रिपोर्ट। आदाब नमस्कार, मैं हूं अयाज अहमद खान। न्यूज एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र में दिन पे दिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं तो यहां पर सख्ती की गई है कि मास्क लगाएं। बिल्कुल हम भी चाहते हैं मास्क लगाएं, डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह से गोरख धंधा मचा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीएमसी नगर निगम के जो अधिकारी, यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो बिना मास्क के लोगों को जो फाइन मारती हैं, वो वेट करती है रिक्शे में कि थोड़ी सी किसी ने ऐसा सांस लेगा तो उसको फाइन मार रहे हैं। आम पब्लिक कितनी है जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये रिक्शे वालों को देख के देखते अंदर जो पैसेंजर बैठे उनको मार रहे हैं। ये तो जिस तरह से हो रहा है ये गलत चीज़ हो रही है जी। अभी मैंने आगे देखा, हाँ? एक क्लीनअप वाली लेडी थी जी। वो बेचारा रिक्शे में बैठा हुआ है और सेप लगाया हुआ था, हल्का सा नाक खुला था जो कि उसका खुद का खुला हुआ है, उसका कुछ नहीं, उसे जबरदस्ती साइड में लगा ले फाइन मारे थे। ये भाई साहब अभी बाइक से आ रहे हैं, उन्होंने पीछे देख कर आए यहाँ पर कि वहाँ पे भी मास्क लगने के बावजूद भी फाइन मार रहे हैं लोग। ये फाइन पड़ गया उनको मास्क होने के बावजूद रिक्शे में, हम दिखा रहे हैं आपको जी। ये फाइन कट गया क्या आपका? एक सेकंड के लिए सांस लेने के लिए ऐसे किया था और एक सेकंड में पर्ची काट दिया। हमको मालूम नहीं था, हम लोग दिल्ली से आए हैं, एक सेकंड लगा और पर्ची काट के हमारे हाथ में। नहीं नहीं, अब चलने का नहीं, एक सेकंड लीजिए, एक सेकंड आप लोगों की पब्लिक के अच्छे के लिए। अरे रुको अंकल, ये एक सेकंड सांस के लिए दिल्ली से आए हुए थे लेकिन उनकी पर्ची कट चुकी, आपने देखा है यहाँ पर। तो ये महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहे हैं बीएमसी के जो अधिकारी ये काम कर रहे हैं, ये तो अंधकार मचा के रखे। वो पर्ची कटी वहाँ पे, आपने अभी आपने आंखों से देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो काम किया जा रहा है ये बहुत ही सख्त गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अधिकारी हरेसमेंट कर रहे थे, आदमी साथ नहीं लगा, थोड़ा नीचे फोटो आ गया है तो उसको ऊपर करेगा, तो उसके फोटो खींच के अगर लेते हैं तो ये अपराध है। ये अभी आपने देखा न्यूज एंड न्यूज की टीम को देख कर यहाँ पे जो लोग फाइन मार रहे थे वो सब दाएं बाएं भाग गए यहाँ पर। तो हम ये महाराष्ट्र सरकार की पुलिस से क्या कहना चाहेंगे आप, प्रशासन से? महाराष्ट्र सरकार प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी को जो है समझाएं उनको और उनको मना करें कि इस तरह से अपराध ना करें। जो आदमी नियम का पालन कर रहा है तो उनको फाइन ना मारे, ये आम जनता के साथ में जो है गलत व्यवहार हो रहा है। जनता परेशान होगी इस तरीके से कि हम नियम अगर हम लगाए हुए मास्क और हम फिर पालन कर रहे हैं उसके बाद भी हमको फाइन मारने पड़ेगा तो ठीक नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जनता है परेशान, एक तो लॉकडाउन के चलते इतना परेशान, साल भर निकल के लोगों के पास काम धंधे नहीं है, जिस तरह से अब कैसे भी करके सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग, उस पर भी लोग ये यहाँ पे कानून की आड़ में झाड़ काट रहे हैं, यहाँ पर बैठ के फाइन पे फाइन मार रहे हैं मास्क होने के बावजूद। और महाराष्ट्र सरकार से हमारी गुजारिश है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, अपने पुलिस को भेजा जाए और यहाँ पर हर चेक चौगड्डों पर चेक किया जाए ये लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। देखो एक महिला ये जा रही है, ये देखें आप, ये मुँह पर मास्क ओढ़ के, ये इनके नाम तक नहीं, नेम प्लेट तक नहीं इनके पास, बस फाइन मार रहे हैं ये लोग। आइए देखते हैं यहाँ पे ये मैडम काम कर रही है, इनको रोका मैडम ने यहाँ पे, मास्क दिखाओ लगाए कि नहीं मैडम, इन्होंने मास्क लगाया क्या? नहीं लगाया।
फोटो है हमारे पास। हाँ फोटो अभी तो लगा है इनके ऊपर मास्क, पर अभी तो बिना मास्क का उतने दिन के लगाए ना सर। मास्क तो लगाए मैडम, थोड़ा सा क्या सांस भी नहीं ले सकते लोग? इतना ज्यादा आप लोग करेंगे तो कैसे चलेगी पब्लिक, ये बताइए आप। साइड में लगाओ एक मिनट। मैडम इनको फाइन किस बात का ले रहे हैं अभी? कौन बिना मास्क के? मास्क लगा इनको कॉल आदमी सांस लेने दोगे नहीं पब्लिक को? साइड में वीडियो निकाल ले, आपका काम अपना काम कर रहे हैं आप। विदाउट मास्क वाले को फाइन मार रहे हैं ना आप लोग, तो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, प्रेस से हम लोग प्रेस से। क्या नाम है आपका? नाम क्यों बोलूं मैं आपसे पूछ रही हूं। आप ड्यूटी कर रही हैं ना, आप नाम तो बताइए। आप लोग काम कर रहे हैं ना, फाइन मारे विदाउट मास्क वालों को। विदाउट मास्क की पर्ची का फाइन कितना है मैडम? पर्ची दिखाइए, नहीं दिखाइए ना पर्ची, कोई गलत काम कर रहे क्या आप लोग? गलत काम कर रहे हैं। सर से बात करो। हाँ तो हाय। अच्छा मैडम ये जानना चाहेंगे, आप बताइए आप न्यूज़ पे आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, जनता पूरी देश की जनता देख रही है आपको। हाँ। आप ये जो फाइन मार रहे हैं विदाउट मास्क का, ये बहुत अच्छी बात है, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे कि बिना मास्क के नहीं घूमना चाहिए। लेकिन लोगों की ज़्यादातर शिकायत ये है कि मास्क होने के बावजूद भी आप लोग फाइन मार रहे हैं, तो ये कहाँ की इंसानियत है ये बताया? इंसानियत की बात नहीं है सर, ये लोग है ना खाली शो पीस के लिए मास्क यूज कर रहे हैं, नीचे मास्क लगा के घूमते हैं, तो मतलब नहीं होता वो मास्क लगाने अभी का। तक तो हमने जितने मास्क देखे लोगों ने सांस ले लिया, सांस भी नहीं ले रहे आप लोग हल्का सा? नहीं ऐसा नहीं है, लोगों का कहना है आराम से आते हैं वहाँ से, सांस कितना देर लेता है इंसान, लोग वेट कर रहे हैं आप लोग की सिर्फ हल्का सा मास्क। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं। अच्छा ये मैं ही कह रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग कि लोग मास्क लगाए बिना हाँ, मास्क के ना घूमे। हाँ, लेकिन उसके आड़ में आप लोग अगर ये जिस तरह नहीं कोई जेब में रखता है, तो अच्छी बात है। देखो मास्क जेब में रखता है और पर्स में रखता है तो कुछ मतलब ही होता नहीं है। नहीं, नहीं उसके लिए तो हम भी तो देख रहे हैं, लेकिन मुंह ऐसे ही किया था। लगने के बाद हमने अभी तक देखा है यहाँ पे जो लाइव मुंह पे रहने के बाद भी आप लोग थोड़ी सी कम से कम लोगों को राहत दो, आप उस पर भी फाइन मारेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं राहत तो देते हैं, जो भी ना नीचे रहेगा तो ऊपर लगाओ करके बोलते हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलते ही है कि विदाउट मास्क। अभी जिन लोगों के पास बिल्कुल मास्क नहीं उनको आपने अगर फाइन मारा, मैं आपकी बात मानता हूँ फाइन मारे आपने, अब वो बंदा आगे गया फिर पकड़ा किसी ने, फिर क्या होगा? पर्ची तो काट दी आपने। हाँ तो उनकी गलती है ना, उन्होंने मास्क लगा के घूमना चाहिए ना। फाइन दिया ना आपको, अब फाइन देने के बाद क्या मास्क आया कोरोना नहीं फैलेगा? आपको भी मास्क प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आप अगर आप किसी को फाइन, हम आपके साथ हैं, अगर आपने फाइन मारा तो आप मास्क भी तो दो उसको कम से कम, बिना मास्क के छोड़ दिया आपने, कोरोना नहीं फैलेगा उससे? अरे अभी क्या करेंगे, उनके पास पैसा नहीं है सिर्फ। अरे तो आप तो पैसा ले रही हैं उनसे, तो आप तो रखो कम से कम उनके लिए 200 रुपए फाइन मारे, 10 रुपए का मास्क भी दो आप उनको, तो आप अधिकारी हैं वहाँ पे। हाँ क्या आप बिना मास्क घूमेंगे क्या कोरोना नहीं फैलेगा? आप है ना ये न्यूज लेके आप उधर बीएमसी में जाओ और उधर से बात करो, मेरे से मत जाएंगे आप। देखो जिस तरह से यहाँ पे लूट मचा के रखे लोग बीएमसी की आड़ में, हम महाराज सरकार से चाहेंगे कि इन पे कार्रवाई की जाए। मास्क वाले को मास्क वाले को भी मारता है, क्योंकि थोड़ा हल्का सा नीचे आ जाएगा तो फाइन मार देते। इतना नजदीक नहीं ले सकता, सांस नहीं ले सकता, चलो मुंह पे नहीं है खाली, कम से कम इतना नाक तो खुला रह सकता है ना। लोगों का कहना है कि सांस भी लेना दुश्वार किया जा रहा है, कि सांस लेने पर भी फाइन मार दिया जा रहा है, बाकी तब भी फाइन मारते हैं, थोड़ा खसक जाता है तब भी, मतलब थोड़ा सा मास्क अगर खसक गया तब भी फाइन मार देते हैं। गरीब लोगों की हालत खराब है, एक तो कोरोना ने वाट लगा दी, ऊपर से ये सरकारी जो लोग काम कर रहे हैं फाइन मार मार के, इसके बारे में सरकार को सोचना होगा। आपको ये वीडियो के बारे में क्या लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दे सकते हैं। न्यूज़ एंड न्यूज़ की वेबसाइट पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। बस मुझे अयाज अहमद खान को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़, देखिए सिर्फ हकीकत। News and News.